किसान साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगल। मैं इस समय फरखाबाद की सहतरपुर मंडी। आज 25 अप्रैल 2024 दिन बृहस्पतिवार। मैं आपका छोटा भाई जावेद, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज का ऑफर। आमनी देख रहे हैं आप, टीन शेड के अंदर ही आज भी लगी है, कुछ टालियाँ बाहर हैं इस तरफ। आमनी की बात की जाए, आमनी वही 10-12 मोटर के आसपास है। देखिए भाई, हमारे प्यारे किसान साथ तो इस तरीके से आज आमदनी लगी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, इधर सिर्फ एक टाली बाहर आएगी और बाकी टालियाँ जलेगी, जो भी कुछ लगी हैं वो टीन शेड के अंदर हैं। और इधर तौल लग चुकी है ख्याति आलू पर। बढ़िया कलर साइज का आलू है। अब मंडी के अंदर बहुत एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी वाले आलू नहीं देखने को मिल रहे हैं फिलहाल। इस आलू के अंदर चेचक या घुघिया वगैरह की कोई शिकायत देखने को नहीं। हमारे साथ किसान हैं, लेंगे इनसे कुछ जानकारी। किस गांव से भैया? नगला बीरबल। अच्छा, कितनी रहेगी अभी डंप पे भी उधर? अब ज़्यादा नहीं, 50 होगा या 2-4 मोटर? 2-4 मोटर होगा। अच्छा, तो अभी चल जाएगा एक हफ्ते तक? एक हफ्ता चल जाएगा अभी। हाँ, खूब चलेगा एक हफ्ता है। अच्छा, तो आज किस भाव से बिका ये तुम्हारा आलू? आज 1901 रुपये प्रति क्विंटल। कल परो आए थे क्या? अभी नहीं, लगभग 8 दिन हो गए। 8 दिन बाद आए हो? गांव में कुछ सौदा हुई थी क्या इस बार? काम हो रही सौदा। किस भाव से किस रेट? 75-901 पैकेट के हिसाब से। 8.5-8.5 800 से 900 रुपये प्रति पैकेट के भाव से बिके। तो अब सौदा है या नहीं? अब हो रही? अब हो नहीं जाता, कम आलू कम बचा। कम बचा है तो कम ही हो रही होंगी सौदा फिर। देखिए भाई, इनका आलू आ चुका है 1901 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से। देखिए भाई, हमारे प्यारे किसान साथी, उधर तौल लगी हुई है, ख्याति आलू है, बढ़िया कलर साइज का। ये है ट्राली इसकी। इसके अंदर कोई चेचक घुघिया की कोई शिकायत देखने को नहीं मिल रही है फिलहाल आलू के अंदर। इधर किसान है, लेंगे इनसे कुछ जानकारी। किस गांव से भाई? लुकुटपुरा। कितना रह गया अब डंप? थोड़ा है। अब थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा करके अप्रैल पूरा निकल गया। अप्रैल की शुरुआत से ही जानकारी ले रहे हैं किसानों से, तो बता रहे हैं ये थोड़ा रह गया, थोड़े दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब अप्रैल देख लो, आज 25 तारीख हो गई, 4-5 दिन रह गए इस महीने में, तो इस महीने में निपट जाएगा। निपट जाएगा। अच्छा, तो आज फिलहाल क्या भाव बिका तुम्हारा ये आलू? आज 1871 रुपये। और आसपास की कुछ कैसे क्या डालियाँ बिकी हैं? कमज़ोर हैं, बिची नहीं है। तो तुम्हारा आज 1871 बिक गया। देखिए भाई, हमारे प्यारे किसान साथियों, एक ट्राली इधर है और इसके अंदर है न्यू हॉलैंड आलू। अच्छे साइज का है, पर इसके अंदर हल्का फुल्का जो है अब किल्ला आ रहा है।
जो कि एक आम बात है, इस समय किल्ला आ ही जाता है हॉलैंड के अंदर, यदि आलू कोल्ड के अंदर ना डाला जाए डंप में। साइज कलर अच्छा है फिलहाल, और कोई चेचे वगैरह या घुघिया वगैरह की कोई शिकायत नहीं है। इधर हमारे साथ किसान है, ये चाचा किस गांव से हो? लगुनावरी। खत्म हो गया आलू गांव में? खत्म गांव में खत्म हो गया आलू? तुम्हारे पास खत्म होगा? बिल्कुल आखिर कर दी तुमने आज। तो ये कितने पैकेट होंगे? आधी ट्राली ले आए आज? हाँ 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 हाँ, तो बिल्कुल समाप्त कर दिया आज आलू बिल्कुल। एक एक आलू बीन लाए? एक एक आलू बीन ला घर से सब। अब कोल्ड से निकाल के खाओ वे कोल्ड से हैं। अभी तक डंप वालों खाते रहे, अब कोल्ड से खाइयो निकाल के बढ़िया आलू ठंडो। बे ठंडो रे भाई, बने रही है जी, तो गर्मी गई है आगे, अब तो गर्मी बढ़ ही रही है तो दिन प्रतिदिन। तो आज क्या भाव बिको? आज बिको 21 से 21। और कल भी लाए थे तुम? मतलब दो तीन दिन से लगातार आ रहे हो? 4 दिन तक आए। अच्छा, तो कल क्या भाव बिको? तो ये कल भी 21 आज भी 21। मतलब दोनों दिन एक ही रेट मिलो। चलो बहुत अच्छी बात है, तुमने आलू सब बेच लिया आज तक। देखो भाई इनका आलू आज का 2121 रुपये प्रति क्विंटल गया बहुत से। देखिए भाई हमारे प्यारे किसान साथी, उधर तौल लगी हुई है आनंद कुफरी पर। कलर साइज का काफी सही आलू है ये। ये आलू मंडी के अंदर काफी कम देखने को मिलता, आनंद कुफरी। मारू है इधर किसान है, इनसे भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। किस गांव से हो? नैगमा। नैगमा के पास। हाँ हाँ समझ गया मैं। कितना डंप रह गया अभी गांव में? अभी दो तीन गाड़ी, दो तीन मोटर। दो तीन मोटर आ गई। अच्छा, तो फिलहाल अभी चलेगा 8-10 दिन? हाँ चलिए 8-10 दिन चल जाएगा। तो आज क्या भाव बिका ये तुम्हारा? 1821। इसकी पैदावार कितनी निकली थी? पैदावार भी है 40-50 पैकेट। 50 पैकेट के आसपास। इस साल आलू कोल्ड करो? इस साल तो सभी आलू हल्के निकले, तो ये क्यों पीछे रह जाता फिर? तो 1821 बिक गया है। और आसपास की टालियाँ कैसे बिकी, किस भाव से बिकी? और इधर पता नहीं बिक्री। अच्छा पता नहीं बिक्री। फिलहाल तुम्हारा आलू आज 1821 रुपये बिक गया। देखो भाई किसान साथी उनका आलू। देखिए भाई हमारे प्यारे किसान साथी, उधर तो लगी हुई है ख्याति आलू है। मैं आपको दिखाता हूँ, कलर जो है इसका काफ़ी डिम हो गया है, और आलू के अंदर हैगी चेचक। कुछ आलू आपको इसके अंदर दिख रहा होगा चटका हुआ। और कुछ आलू दिख रहे होंगे इसके अंदर छिलते छिलाते आलू। तो इधर हमारे साथ हैं किसान, लेंगे इनसे कुछ जानकारी। भाई किस गांव से भैया? सरवर आलम। ये किधर लगता? जहानगंज क्षेत्र। कितना आए उधर डंप वगैरह, कितना रह गया? मैंने मतलब निपटने पे आ गया आलू बिल्कुल आखिर। क्या बता रहे? एक डेढ़ मोटर पूरे गांव में। अब 2-4 दिन और चलेगा मुश्किल से, अप्रैल भर।
कल में निपटना है बिल्कुल, है आखिर है बिल्कुल। तो आज फिलहाल ये आलू क्या भाव बिका तुम्हारा? 1661 रुपये। चेचक भी है और कलर काफ़ी डिम हो गया इसका, कितने दो ढाई महीने हो गए इसे लगे हुए। अच्छा ये जब लगाया था क्या भाव चल रहा था मंडी में? 700 रुपये भाव चल रहा था तभी लगा दिया था। बढ़िया आलू का 700 रुपये चल रहा होगा? बढ़िया 800। अच्छा बढ़िया 800 में था और इस भाव 700 में बेच गए थे तो सोचा आप डंप लगा दें। कितना लगा दिया था इस बार डंप? 200 पैकेट। तो कोल्ड में डाला आलू? नहीं डाला अभी इस बार, बिल्कुल एक भी नहीं डाला। तो इनका देखो भाई, इनका आलू बिका 1661 है, 1661 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से। देखिए भाई हमारे प्यारे किसान शादी हो जाता है और लगी हुई है कटपीस आलू है। ख्याति आलू की कटपीस। हजार रुपए बेच दी? अच्छा है? अच्छा इन्होंने ली है तो 1000 रुपए ले ली जी। क्या बीन भी रहा है या सीधी बिना बिना है? अच्छा दागी हटा रहे हो खाली मात्र है? हाँ दागी ना हो बस। इधर आशीष जी हैं आलू आरती भैया, नमस्कार। नमस्कार भैया। तो पिताजी नहीं आ रहे क्या? पिताजी आ रहे हैं, हम नहीं आ रहे, कम आ रहे गाँव से कराया था। अच्छा गाँव में बेचा था हमने। गाँव में बेचा था? हाँ। अच्छा थोड़ा सा इधर लाइट पड़ रही तो गांव में बेच दिया। क्या रेट बिका गांव में? गांव में वो ही बेचा 1600-1650 तक बिका गांव में। अच्छा तो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी फिर? क्वालिटी अच्छी नहीं थी, आलू रह नहीं गया ज़्यादा। अब क्वालिटी वाला आलू रहा नहीं है और ना मंडी में अब दिख रहा है ज़्यादा, वही कटपीस निकल के आई उसी के चक्कर में। हाँ बस अब यही आलू अब बिक रहे हैं ज़्यादातर। वही 8 दिन और चलेगी फिर क्वालिटी आलू। 8 दिन और चलेगी? हाँ यानी कि 2-4-5 मई तक मान लो अगर चली तो अगर 5 मई 10 मई आदमी अभी लगा। हाँ और देखो ये किसान ने डंप कटपीस का ही डंप कर लिया इसको है? नहीं नहीं इनका ढेर लगा हुआ था काफी। अच्छा इसे हमें 4-5 रुपए के 1000 पैकेट। अच्छा निकला हुआ है 1000 पैकेट में निकली हुई थी ये? हाँ आज कैसे किस तरीके से कैसे बिक रहा है आलू? हुई 1885 रुपए, 1750 रुपए हुई निकली वाली। अच्छा वो 1700 रुपए लेके 1850 रुपए, 1700 से 1850। लिवाली कैसी है? लिवाली ठीक है लिवाली खास ज़्यादा अच्छी थी। बस बिक रहा मतलब कि अब मंडी में जो है लिवाल भी काफ़ी कम हो गए ना अब? हाँ ऐसे आया, अब आदमी सोच रहा है ये वाला लेंगे, अब कोल्ड में पड़ता ज़्यादा बढ़िया आया। हाँ 900 रुपये 1250 रुपये पैसे मिल रहा है, ये वाला खर्चा लगा के ज़्यादा पड़ रहा अब ये खर्च। अच्छा हाँ तो आदमी कोल्ड से निकालने लगे हैं अपना खरीदा हुआ भी, अभी निकालना व्यापारी ज्यादा निकल रहा, काश्तकार भी नहीं है। हाँ काश्तकार नहीं भेज रहा है अभी, काश्तकार भेज सोच रहा कि 1000 रुपए पैकेट मिले खर्चा निकाल के मिले, कोल्ड भाड़ा और बारदाने का खर्चा निकाल के मिले 1000 रुपए, तब बेचेगा, तब वो सोचेगा कि हाँ अगर बेचे या ना बेचे सोचना पड़ेगा उसे। चलो ठीक है भाई इनका जो